हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट का जो डिटेल्ड वीडियो आने वाला है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे आपका जो भी 10 या 12 सब्जेक्ट है गेट में, तो मैं हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, एक एक हर सब्जेक्ट के ऊपर एक एक वीडियो, आपको कैसे उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, बेस्ट वे क्या हो सकता है उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके आप मैक्सिमम मार्क्स उसमें गेन कर सको गेट के एग्जाम में। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सौरभ कुमार। आई सिक्योर्ड AIR 236 इन गेट 2021। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर नेटवर्क थ्योरी फॉर गेट 2022। तो नेटवर्क थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करना, जो भी इलेक्ट्रिकल ECIN के स्टूडेंट हैं उनका सबसे पहला सब्जेक्ट सबका नेटवर्क थ्योरी रहता है, क्योंकि ये एक बेसिक सब्जेक्ट है जो मस्ट है स्टार्ट करना, जिसके बाद आप आगे का सब्जेक्ट कर सकते हो। इस सब्जेक्ट के बिना आगे का सब्जेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। वैसे कंट्रोल कर सकते हो, सिग्नल कर सकते हो, लेकिन उसके आगे का सब्जेक्ट मशीन या आपका जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सब्जेक्ट है तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा कि नेटवर्क थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करना। तो देखो, नेटवर्क थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में आप इसका थ्योरी आपको सबसे पहले पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। आप थ्योरी के लिए आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, या आपके पास कोई सोर्स है जैसे वीडियो लेक्चर वगैरह हो गया, तो आप उससे इस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आप क्या कर सकते हो कि आपको इसके बाद जब आप वीडियो देख लो, इस सब्जेक्ट का पूरा थ्योरी आप कंप्लीट कर लो, थ्योरी चैप्टर के साथ साथ आप PYQ की भी लगा सकते हो या किसी बुकलेट का क्वेश्चन भी लगा सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस सब्जेक्ट का जो भी PYQ है तीनों ब्रांच के जो भी है, इलेक्ट्रिकल, ECE और IN के, इन तीनों ब्रांच का जो भी नेटवर्क थ्योरी का प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कर लेना है एक एक करके इस सब्जेक्ट से। उसके बाद आप इसको सॉल्व करने के बाद आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल भी रेफर कर सकते हो, या कोई बुकलेट रेफर कर सकते हो, या कनोडिया या बिट्स एंड बाइट्स। तो अब इसके बाद आप क्या करो कि बिट्स एंड बाइट्स लगा लो या कनोडिया लगा लो या किसी कोचिंग का बुकलेट ले लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये इसको पहले सॉल्व करो। अब इसमें जब सॉल्व करोगे ना, तो कभी कभी आपको ना ऐसा डिफिकल्टी आएगा, कुछ टॉपिक्स ऐसा लगेगा आपने पढ़ा है लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपने थ्योरी सारा पढ़ लिया, नोट्स आपने अच्छे से बना लिया है, जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं लगने वाले, वो फर्स्ट टाइम होता है। तो आपको करना क्या है, आपको बैक अपने थ्योरी पे जाना है, आपको देखना है कि मैं किस फील्ड में मैं लैग कर रहा हूं, मतलब कौन सा थ्योरी, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को पकड़ो आप अच्छे से, उसको एक बार फिर से पढ़ो, हो सके तो उसको लिख लिख के एक बार रिवाइज करो अच्छे से, हो सके अगर आपको जिस सोर्स को आपने फॉलो किया उससे आपका कंसेप्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, आप दूसरा कोई सोर्स रेफर करो, कोई वीडियो रेफर करो या कोई बुक रेफर करो जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो अभी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहा आपसे, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, आपके पास इसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास टेस्ट सीरीज तो होगा ही, आपने टेस्ट सीरीज ले लिया होगा। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपको टेस्ट सीरीज लेना मस्त है, टेस्ट सीरीज लो। अब देखो जब ये सब लगा लेते हो ना, तो अब आपको आना रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है कि पहले टेस्ट देना है, आपने नेटवर्क थ्योरी का एक बेसिक टेस्ट दिया, जो भी पार्ट टेस्ट है या टॉपिक वाइज टेस्ट है जो भी है आपके पास, आप उसको दो और फिर आपको उसमें देखो आपको क्या डिफिकल्टी आ रहा है उस टेस्ट में, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, या तो आप फॉर्मूला मिस्टेक्स कर रहे हो, ज्यादातर आपका जो कंसर्न रहेगा ना इस वीडियो में मेरा वो रहेगा कि आप थ्योरी से कितना आप थ्योरी में कितना आप लैग कर रहे हो। तो जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे उस समय बनने वाले नहीं टेस्ट सीरीज में, किसी में टाइम ज्यादा लग जाएगा, किसी में आपको कंसेप्ट या भूल जाओगे, किसी में आपका फॉर्मूला ही नहीं लग पाएगा, किसी में आपको लगेगा कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अब करना क्या है कि ये टेस्ट सीरीज दो सब्जेक्ट वाइज, और फिर से जो भी प्रॉब्लम्स आपको आई है उसको नोट डाउन करो और फिर से आप सब्जेक्ट को दोबारा से देन एंड देयर आपको रिवाइज करना। ये नहीं कि आप अभी छोड़ दिए, अभी के अभी टेस्ट सीरीज देने के बाद नेक्स्ट डे या उसी दिन से आपको उस सब्जेक्ट को फिर से दोबारा रिवाइज करना, आपको उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप टेस्ट सीरीज देके वहीं रुको, पहले आपको रिवाइज करना, जो भी आपको
थ्योरिटिकल मिस्टेक्स आ रहे हैं थ्योरी से रिलेटेड, उसको आपको दोबारा से करना है स्क्रैच से, फिर से रिवीजन मार दो एक बार सब्जेक्ट का फास्ट फॉरवर्ड मोड में। जब वो आपको लगेगा आपने रिवाइज कर लिया, लगेगा कि आपने उस जो भी प्रॉब्लम आपको उस टेस्ट सीरीज में आया था वो आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट फिर आपको क्या करना, फिर नेक्स्ट टेस्ट लेना है इसी का, जो भी इसका टॉपिक टेस्ट है या सब्जेक्ट टेस्ट है, जो आपको फिर से दोबारा टेस्ट लगाना है। अब दोबारा टेस्ट लगा के देखो कि अब आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में, मतलब आपने कितना अपने आपको इम्प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब नेटवर्क का जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसमें क्वालिटी में आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो आप ये देखो। उसके बाद आप पहले इसको आप देखोगे तो आपको दूसरा टेस्ट जब दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मिस्टेक्स फिर क्या हो रहा है, क्या भूल रहे हो, क्या आपको करने की फिर से जरूरत है। तो नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, आप 4 से 5 टेस्ट सीरीज या सब्जेक्ट टेस्ट या पास्ट पार्ट टेस्ट अटेम्प्ट करो इस सब्जेक्ट में, हर टेस्ट को एनालाइज करो और कोशिश करो कि जो इसमें प्रॉब्लम्स है एरर को आपको हर हाल में रिमूव करना, जो भी आपको थ्योरेटिकल एरर आ रहा है ना थ्योरी से रिलेटेड उसको बार बार रिवाइज करके बार बार पढ़ के, किसी बुक से जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसके लिए कोई और सोर्स को आप रेफर करो, जो आपने अगर पढ़ा है जिस सोर्स से उसे नहीं समझ में आ रहा था आप बार बार आप कर रहे हो फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी और सोर्स को रेफर करो उस टॉपिक के लिए, गूगल करो वो टॉपिक, गूगल पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, यूट्यूब पे जाके देख लो, लेकिन उस टॉपिक को वहीं पे खत्म करो। दोबारा वो टॉपिक आपको दिख जाए ना तो उसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस लेवल का उस टॉपिक को तैयार कर लो जो टॉपिक्स में आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो ना तो आपका नेटवर्क थ्योरी एकदम जबरदस्त बन जाएगा। मेन नेटवर्क देखो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, आपको थ्योरी पढ़ना है, इसमें इतना ज्यादा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है जैसे मशीन में या कॉम में है या ईडीसी में है, तो इतना इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें जो भी है ना वो बेसिक चीज है, सारा मैथमेटिक्स है एक तरह से मानो तो, सब कुछ आपको दिखता है, मतलब आराम से आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। अब क्या सोचो, केवीएल केसीएल में क्या सोचना है, नॉर्टन्स में क्या सोचना है, थेवेनिन में क्या सोचना है, वो तो थ्योरम दिया हुआ है आपको पता है कि ये थ्योरम ऐसे काम करता है ऐसे आप करेंगे। केवीएल केसीएल में क्या सोचना, केवीएल आपको पता कैसे लगाना, केसीएल कैसे लगाना, नोडल कैसे लगाना, मेस कैसे लगाना, तो ये सब चीजें बेसिक्स, आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बस इस प्रोसेस को फॉलो करो, थ्योरी प्रो प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले ऑफलाइन, फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो क्वेश्चन नहीं बन रहे फिर थ्योरी पढ़ो, उसके बाद जब ये हो जाए प्रॉब्लम्स लगाना तो आप टेस्ट सीरीज पे आओ, एक टेस्ट सीरीज लगा के जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिर से थ्योरी के थ्रू एरर को रिड्यूस करो, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से टेस्ट सीरीज लगाओ, सेम प्रोसेस को रिपीट करो जब तक वो सब्जेक्ट आपका ऐसा लगे कि आप 2-3% आप एरर आप उसमें रह गया तो आप उस सब्जेक्ट को ऐसे छोड़ सकते हो कि अब मेरा ये सब्जेक्ट एकदम अच्छा हो चुका है। तो आई थिंक आप इस प्रोसेस को फॉलो करो तो अच्छा रहेगा, आपको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने अपने आप को इवेलुएट करते रहोगे हर हमेशा कि चलो मेरा प्रिपरेशन कैसा है, आपको खुद पता चलता रहेगा टेस्ट सीरीज देने से या क्वेश्चन लगाने से कि हाँ मेरा ऐसा प्रिपरेशन है, इस ट्रैक मेरा सही है। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट लेके आऊंगा, आई थिंक सिग्नल या कंट्रोल जो सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है ना वो सिग्नल या कंट्रोल होगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि उसको कैसे प्रिपेयर करना, तो पहले ये वीडियो आप जाके देखो, इस वीडियो को सब कोई देखो समझो जो भी मैंने प्रोसेस बताया और फिर उसको अप्लाई करो अगर आप कर सकते हो तो, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस चीज से मिलने वाला है ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है जो मैंने किया है, यस हर कोई करता है सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की, यही बेस्ट पॉसिबल वे है सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। तो चलो ठीक है, बने रहो नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching.